ब्यूटीफुल पीपल्स वेलकम बैक एंड चलिए शुरुआत करते हैं हमारे ड्रामा स्पार्कल लव एपिसोड 17 की। और हाँ गाइज, एम रहेगी 800 की। एंड गाइज, मैं जल्द ही जल्द वीडियोस को अपलोड कर देती हूँ कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट बाकी ना रहे। लेकिन गाइज, आप कमेंट कर देते हो मगर मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करते जितना मैं बोलती हूँ। एंड गाइज, जितना हो सके आप मेरे वीडियोस को लाइक, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। और हाँ गाइज, अगर आपको मेरे वीडियो के कोई भी सीन अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताओ। और एक और जरूरी बात कि मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगी किन्हीं 5 को। जो कमेंट्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आएंगे मैं उन्हें अपनी तरफ से शॉर्ट आउट दूंगी। आप तो गाइज देरी किस बात, जल्दी जल्दी जाओ और अच्छे अच्छे कमेंट करो, क्या पता वो आपका ही नंबर हो। तो चलिए गाइज, बिना कोई देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट होते ही हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ सारे पिक ले रहे थे। तो ली डिंगी को बोलती है, तुम बहुत फ्रंट में रहो, तुम्हारा फेस बहुत छोटा है। तो फिर सिचोंग फोन ले लेता है और सबका एक साथ में सेल्फी ले। तो फिर डिंगी बोलता है, अब दूसरी जगह जाना चाहोगे? तो फिर जियारुई बोलता है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे घर जाना है। तो फिर सिचोंग बोलता है, ऑलरेडी कार की टिकट ले ली है। तो फिर जियारुई बोलता है, मैं जा रहा हूँ। और सारे उसे बाय बोलते हैं। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर जिन बोलती है, मुझे भी जाना है, मैंने दोस्तों के साथ अपॉइंटमेंट बनाया है। और वो चली जाती है। तो फिर यूजिन बोलती है, मुझे भी जाना चाहिए, कॉफी शॉप में कुछ करना है। वो भी चली जाती है। तो फिर बैंचिंग बोलता है, मैं भी चलता हूँ। तो फिर लू झट से मुस्का देती है और बोलती है, इन्होंने बोला वो जा रहे हैं और वो चले भी गए। तो डिंगी बोलता है, क्यों ना हम साथ चले। तो वे बोलती है ली को, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और हम इधर जियारुई के पीछे जिनजिन को देखते हैं। तो जियारुई झुक के उसके शू के बेल्ट लगाता है और जिनजिन को वो मेमोरी याद आती है जो हमारे लिए अनसुनी और अनदेखी है। जहाँ जियारुई जिनजिन को बोल रहा था, जिनजिन क्या तुम्हारी कोई विशेष है? तो जिनजिन बोलती है, तो आई मीन जिनजिन हिचकिचाते हुए, प्राइवेसली हेड, और तुम्हारा? तो जियारुई बोलता है, पहले जो था वो नहीं हुआ बट अब है। और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो जिनजिन बोलती है, ये जगह दिखने में स्टेशन से दूर लग रहा है। और वो बोलती है, हमें एक कार करना चाहिए जो तुम्हें डोमेट्री ड्रॉप कर दे। तो जियारुई बोलता है, मैं खुद से जा सकता हूँ और वैसे भी तुम मुझ पे विश्वास करती हो। और जो कहानी है तुम्हारी सिचोंग के साथ वो कुछ बोलने वाली थी कि जियारुई वहाँ से चला जाता है। और इधर हम डिंगी और ली को देखते हैं जो शॉपिंग कर रहे थे। और इधर हम सिचोंग और वेवे को भी देखते हैं जहाँ वो शू शेल में थे। जहाँ वेवे बोलती है, तुम्हें शू खरीदना चाहिए प्रोवेंशियल टीम क्लब के लिए, ये पेयर दिखने में अच्छा लगेगा। तो झट से सिचोंग बोलता है, हमें भाग जाना चाहिए, मुझे अकेला रहना है, तुम क्या कहती हो? वेवे बोलती है, तुम्हारी सोच तो बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा अकेला नहीं रह सकती। और डिंगी आता है और बोलता है, तुम लोग क्या सोच रहे हो? और वेवे झट से बोलती है, लंच करते हैं। और सिचोंग बोलता है, जाओ और अपनी डायरी को ढूंढो। और सिचोंग वेवे को वहाँ से लेकर चला जाता है। और हम देख ली और वेवे को जो अपने डोमेट्री वापस आ गए थे। जहाँ ली बोलती है, वेवे लास्ट नाइट तुम और सिचोंग मुझे बताओ तुम लोगों ने क्या किया? वो हिचकिचाते हुए बोलती है, कुछ नहीं। तो ली मुंह बना के बोलती है, कुछ नहीं, तो तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है? स्टूडेंट वेवे, तुम और सिचोंग बस रिसेंटली से डेट कर रहे हो। वेवे बोलती है, क्यों? तो जो लंबे टाइम से डेट करते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ली तो शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है, तुम लोग? और वो डिंगी को मैसेज करते हैं। और इधर हम डिंगी को देखते हैं जहाँ उसको मैसेज आता है ली वाला, जिसमें लिखा था, क्या तुम हेल्प कर सकते हो, सिचोंग में नजर रखना, पर वो हर चीज और कुछ भी कर सकता है, ये वेवे का पहला प्यार है। और झट से डिंगी सिचोंग के लैपटॉप में झांकने वाला होता है, बट सिचोंग एट द टाइम लैपटॉप को छिपा लेता है। और डिंगी बोलता है, लोग हर किसी का प्यार सच में एक जैसा नहीं होता। तो सिचोंग बोलता है, गेट आउट। तो डिंगी बोलता है, तुम रोज क्या सोचते हो, तुम्हारी और वेवे के डिवॉल्वमेंट में कैसी दूरी है? ली ने कहा, तुमने बहुत कुछ लिया है, तुम लोगों ने कर लिया है ना? तो सिचोंग बोलता है, क्या? और इधर हम ली और वेवे को देखते हैं जहाँ ली बोलती है, वेवे तुमने प्यार को इस रास्ते से शो किया, ये बहुत ज्यादा हो गया, तुमने उसे इस तरीके से लीड क्यों किया? तुम याद कर लो, तुम्हारे पास ये गेम कंट्रोल होना चाहिए। तो वेवे भी बोल देती है, तो तुम कैसे अपने प्यार को कंट्रोल करोगी मास्टर ली? तो ली बोलती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात औरत को कहना है नहीं तो नहीं, मर्द हमेशा सही नहीं होता। वेवे हंसते हुए बोलती है, पर मैं तो विलिंग हूँ। तो ली बोलती है, तुम तो बहुत ऑब्सेसिव हो वो सब करने के लिए, और तुमने उसके लिए डिसाइड भी कर रखा है। वेवे कल तक तुम एक क्लियर लड़की थी जो कभी अपना अंडरवेयर एक सेट नहीं पहनती थी, आज तुम उसके
लिए फोल्ड कर रही हो? वेवे बोलती है, क्या रुको, तुम ऐसी बात बोल रही हो और हमने कुछ नहीं किया है। और ली शॉक्ड रह जाती है। और इधर सिचोंग बोलता है, तुम ली क्या सोचते हो, और उसे पास बुलाता है। और हमें सिचोंग और वेवे दोनों का सीन दिखाया जाता है साथ में, जहाँ सिचोंग बोलता है मैंने और वेवे ने, और वेवे बोल रही थी मैंने और सिचोंग ने, दोनों ही ये बात बोल रहे हैं, बस हाथ पकड़ा है और कुछ ज्यादा नहीं। तो फिर ली बोलती है बस यही, तो वेवे बोलती है सो। और इधर डिंगे बोलता है और तुम खुश हो गए, तो तुमने और उसने इस यूनिवर्सिटी में हाथ पकड़ने के अलावा कुछ नहीं किया। तो सिचोंग बोलता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, और डिंगे बोलता है ली ने मुझे रोज तुम्हें देखने बोला है। और इधर वेवे चली जाती है कहकर कि वो मिस मैलिंग से मिलने जा रही है। और इधर डिंगी बोलता है इस विंटर की हॉलीडे में तुम और जिया ब्रो प्रोवेंशियल टीम के लिए प्रैक्टिस करोगे। और इधर हम यूजिन और बैंचुंग का सीन देखते हैं, जहां यूजिन बैंचुंग को प्यारी सी स्माइल देते हुए कॉफी देती है और बोलती है तुम अगेन मेरे कॉफी शॉप क्यों आए हो। वो बोलता है मैं जगह ढूंढ रहा था जहां मैं बुक पढ़ सकूं, और उतने में वहां प्रेसिडेंट झांग आते हैं और बैंचुंग सामने आ जाता है और डायलॉग मारता है, ओ अंकल जी थोड़ी बेटी मेरी कॉलेज फ्रेंड है। तो फिर प्रेसिडेंट झांग बोलते हैं भरोसा करो ये मेरी बेटी है। बैंचुंग वहां से चला जाता है और यूजिन बोलती है आप यहां क्या करने आए हो। वो बोलता है विंटर की छुट्टियां आने वाली है और तुम घर वापस नहीं आई, आई मिस यू, तुमने आना छोड़ दिया है और इन सालों मैं बहुत बिजी था और मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा और अभी सब सही है, मैंने रिजाइन कर दिया है। तो यूजिन बोलती है रिजाइन, तो उसके डैड बोलते हैं मैंने फैसला किया है मैं FT कंपनी से लीव ले लूंगा और कॉफी शॉप खोलूंगा, तो मेरे पास वक्त होगा तुम्हारा ख्याल रखने का। यूजिन मैं उस दिन थोड़ा गुस्सा हो गया था, मैं बहुत उदास हूँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, बहुत दिन गुजर गए, मैं बहुत लॉन्ग टाइम से सोच रहा था, इन द पास्ट मैंने तुम्हारे साथ बहुत छोटा टाइम स्पेंड किया है, क्या तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें अटेंशन पे करना चाहता हूँ, पास्ट सॉल्व नहीं हो सकता बट आई स्वेयर अभी से मैं कोशिश करूँगा तुम्हारा ख्याल रखने की और मैं अच्छा करूँगा एक अच्छा बाप बनने के लिए। और वो वहाँ से चले जाते हैं और वो थोड़ी इमोशनल हो गई थी। और वहाँ बैंचुंग आता है और वो बोलता है तुम ठीक हो ना, और यूजिन उसके सीने से लग के रोने लगती है। और इधर हम वेवे को देखते हैं जो मिस मैलिंग की बात सोच रही थी मेजर ट्रांसफर वाली, तो ली बोलती है वेवे क्या तुम अच्छा सोच रही हो, क्या तुम मेजर में ट्रांसफर होगी, तो वेवे बोलती है नहीं, तो ली बोलती है क्या तुम मेजर में ट्रांसफर नहीं होना चाहती हो, और सिचोंग तो एक स्विमर है और उसकी तुम पर्सनल फिजिकल थेरेपिस्ट हो, जैसे कि तुम उसे हर जगह फॉलो करती हो, बहुत हैप्पी हो है ना। और इधर वो खुले आंखों में ख्वाब देखने लगती है कि सिचोंग ने मेडल जीता है और वो बता रहा है मैं वेवे उसकी पर्सनल फिजिकल थेरेपिस्ट है, और वो बहुत खुश थी और वो इमेजिनरी दुनिया से वापस आके स्माइल करने लगी। तो फिर ली बोलती है तुम डरती नहीं हो कि तुम इलेक्ट्रिसिटी हो अगर किसी को पता चल जाए तो। और यूजिन आती है और बोलती है तुम वापस आ गई, क्या यहाँ मेजर ट्रांसफर की बात हो रही है, वे एक्चुअली मैं हमेशा नहीं समझ पाती हूँ, अब तुम इस मेजर में अच्छे से जा सकती हो, वैसे तुम मेजर में ट्रांसफर होके क्यों रहना चाहती हो और सोचो हमारे मेजर के बारे में, ये बहुत पुराना है। तो वेवे बोलती है नो 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 मेरा कोई अलग रीजन है। और वेवे के डोर के बाहर एक लड़की आके बोलती है आपसे कोई मिलने आया है। वो देखती है नशे के हालत में पैंग को वो पूरा बखेड़ा कर रहा था, तो वेवे जाके उसे संभालती है। तो फिर हम इधर देखते हैं सिचोंग को जो कुछ चीजें कैरी कर रहा था। तो फिर डिंगी बोलता है तुम अगेन वेवे को ढूंढने जा रहे हो। सिचोंग बोलता है इस शाम वो इनफ चीजें नहीं खाएगी तो वो गुस्सा हो सकती है। और इधर वेवे पैंग को संभालते हुए बोलती है तुमने इतनी क्यों पी है। वेवे बोलती है क्या तुम्हारे रूम में कोई और भी है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। और वो गिर जाता है और वेवे सिचोंग को कॉल करती है और वो बता रही थी कि पैंग ड्रंक है कि पैंग फोन लेके बोलता है वेवे मेरी है और फोन फेंक देता है। तो सिचोंग अपने डोम से भागता है और वेवे गुस्से में बोलती है ये क्या कर रहे हो, और वो उससे वो कीचेन वापस लेने को बोलता है। वो बोलती है मैं ले लूंगी, तो वो बोलता है मैं नहीं चाहता तुम वापस लो, मैं चाहता हूँ तुम वापस मेरे साइड आ जाओ। वेवे बोलती है तुमने बहुत पी ली है, मैं तुम्हारे लिए एक वाटर की बोतल लेने जा रही हूँ। और वो जबरदस्ती उसको हक कर लेता है और बोलता है तुम मुझे जरूर पसंद करती होगी, तुम बदल क्यों गई हो, मैं ही एक अकेला हूँ तुम्हारे लिए ईमानदार, अगर तुम सिचोंग के दिल में हो तो सिर्फ स्विम की वजह से। और वो जबरदस्ती की हद पार कर देता। इधर लिटरली बहुत गुस्सा आया।
मुझे और वैसे भी ये पैंग की औकात यहीं तक की है। अरे इसको कोई निकाल क्यों नहीं, 17 एपिसोड हो गए हैं। वेल हम आगे बढ़ते हैं और सिचांग आके उसे धो डालता है और हम पैंग के आंखों में आंसू देखते हैं। आंसू तो आएंगे ही, जबरदस्ती जो किया है। और हम वेवे सिचांग को देखते हैं जहाँ सिचांग वेवे का हाथ पकड़ के बोलता है तुम ठीक हो, तो वेवे बोलती है मैं ठीक हूँ। सिचांग क्या तुम गुस्सा हो मेरे पे, तो सिचांग बोलता है मैं गुस्सा हूँ बट तुम पे नहीं, मैं गुस्सा हूँ कि मैं फास्ट क्यों नहीं दौड़ पाता, मैं गुस्सा हूँ उस पे कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सकता, मैं गुस्सा हूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों हूँ पर तुम अभी उदास हो। वेवे मैं जल्द ही ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, आई होप कि तुम मुझे हर कुछ बताओगी, मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। और वो बेचारी उसे रोते हुए हक कर लेती है। और इधर हम पैंग को देखते हैं जहाँ सिचांग उसका वेट कर रहा, और हम उन दोनों को कैंटीन में देखते हैं जहाँ सिचांग बोलता है क्या तुम कोई अनदर रीजन ढूंढ रहे हो वेवे से डील करने के लिए, अदरवाइज मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता। तो पैंग बोलता है उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता, तुम्हें पता है मेरे पास उसके साथ बहुत सारी मेमोरीज है, तुम्हें नहीं पता। तो सिचांग बोलता है मैं ये तुम्हारी नॉनसेंस बातें सुनने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हें बता दूं अभी से तुम वेवे से दूर हो जाओ। तो वो उठ जाने लगता है तो पैंग बोलता है कौन डिटरमाइंस करता है कि मैं उसे पसंद नहीं कर सकता हूँ। तो सिचांग बोलता है पसंद, तुम्हारे पसंद का क्या मतलब है, तुम जूनियर्स को ऐसे पढ़ा नहीं सकते जैसे कि मैं। और वो वहाँ से चला जाता है। और इधर हम सिचांग की मॉम को देखते हैं जो पैकेजिंग कर रही थी और बोल रही थी कि वहाँ सिचांग तुम प्रोविंशियल टीम आए हो, तुम्हें बहुत अच्छा करना होगा, तुम फर्स्ट टाइम मिलोगे अदर लोगों से, अच्छा मैच रहना होगा तुम्हें, पता है ना। तो सिचांग बोलता है मुझे पता है। सिचांग की मॉम बोलती है सो सीक्रेटली फोन मत चलाना। सिचांग बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है। और उसके पापा भी वहाँ आ जाते हैं और सिचांग अपने बैग कैरी हुए सामान को देख के बोलता है मॉम आपने ये क्या डाला है, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। और फिर वो ड्यूरन कैंडी लेकर जाने लगता है तो उसकी मॉम उसे रोक के बोलती है तुम्हें तो ड्यूरन कैंडी खाना पसंद नहीं था। तो सिचांग बोलता है अब मुझे ये प्रिटी गुड लगता है। और फिर घर से निकलता है और डोर के बाहर आता है, वो वेवे को देखता है और उसे पीछे से मारता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। तो वो उसे टॉफी देता है तो वेवे बोलती है तुम्हें तो ये कैंडी पसंद नहीं है, है ना, ड्यूरन कैंडी डिलीशियस होती है। तो वो उसके हाथ को पकड़ के खुद वो टॉफी खा लेता है और वो सारी लगेज कार में डाल देता है और बोलता है मैं चलता हूँ। और वो कार में बैठ जाता है तो वो खिड़की में ढकढका के बोलती है मुझे वीडियो कॉल करना भूलना मत, जरूरी है हर दिन रिपोर्टेड देना। तो सिचांग बोलता है आई नो, वेवे बोलती है ज्यादा खाना ज्यादा सोना। और वो दोनों एक दूसरे को बाय बोल देते हैं और वेवे जाने लगती है और वेवे को सिचांग पीछे से हक कर लेता है और बोलता है डोंट वरी मैं जल्दी आ जाऊंगा, तो मैं चलता हूँ। तो फिर वो चला जाता है। और हम इधर देखते हैं ट्रेनिंग चल रही थी जहाँ सबसे फोन लिया जा रहा था जहाँ सब दे देते हैं, बट सिचांग बोलता है मैं फोन नहीं लाया हूँ, बट उसकी फोन की रिंग बजती है तो उसका फोन ले लिया जाता है। और उन लोगों को कहा जाता है जल्दी बेड में जाओ और बेचारा सिचांग का मुंह तो बिल्कुल उतर ही गया था। और इधर हम देखते हैं वेवे मैसेज कर रही थी तुम अभी प्रोविंशियल क्लब में हो, तुम्हारे टीममेट्स कैसे हैं, क्या जिया रुई तुम्हारे सेम रूम में है, बट वो देखती है कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था और बेचारी के एक्सप्रेशन से लग रहा था वो अपसेट है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 17 की एंडिंग होती है।